आर एट जुहीनगर नाउ, इट्स 8:30 एंड यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे. दोस्त का कार है रोहित, और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे पुणे डायरेक्ट. एक्चुअल प्लान था सातारा पहुँचने का, लेकिन इतना बड़ा लंबा जर्नी रात को करने का कुछ मतलब नहीं बनता. सो वी थॉट दैट पुणे में हम लोग का एक दोस्त रहता है, वहाँ पे हम लोग रुकेंगे आज का रात, और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग वहाँ से निकलेंगे कास पटा. सो अभी हम लोग का फर्स्ट स्टॉप विल बी फूड कोर्ट एट पुणे एक्सप्रेस हाईवे. सी यू. मॉर्निंग. वी स्लीप लिटिल एक्स्ट्रा, आई डोंट नो. हम लोग को 5 बजे यहाँ से निकलना था, और अभी कुछ 5:30 पौने छः शायद. अभी हम लोग को जब बहुत जल्दी रेडी होकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को कुछ भी करके 9 नॉट 9 बट हाँ, ट्राई करेंगे 9 से पहले पहुँचने का. जितना जल्दी हो सके हम लोग को अभी निकलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा. 2 मिनट लगेंगे मेरे को, मैं यू गया और यू आया. तब तक के लिए चलो, वी आर ऑल सेट नाउ. अभी जाते जाते हम लोग कहीं पे तो ब्रेकफास्ट करेंगे और डायरेक्ट सातारा. अभी 6:30 हुआ है कुछ, और वी आर होपिंग दैट वी विल रीच देयर बाय 9:30 एंड ऑल. लेट्स सी. आई जस्ट वांट टू शो यू द व्यू फ्रॉम हियर. Showing it's still 33 minutes ahead, I guess 21 kilometers to go. We are almost here, 10 minutes ahead. The Kaas Plateau is there, and we took a halt here. See, I'll show you the view from here. Awesome, right? सो गाइज, फाइनली वी आर एट कास पठार. आप देख सकते हो यहाँ पे हर जगह पे पूरा लैंडस्केप फूलों से भरा हुआ है. और एक चीज़ बचा है कल से जो करने का, वो है इंट्रोडक्शन टू माई फ्रेंड्स सुबोध, रोहित, मंचे एंड प्रीतेश पास्ते. पास्ता बोल सकते हो उसको. यहाँ पे अंदर जाने के लिए आपको 100 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, लेकिन आप बार्गेन भी कर सकते हो. हम लोग अभी 5 लोग थे, हम लोग ने उनको बोला कि थोड़ा सा कम कर दो, चाहिए तो आप थोड़े 1-2 लोगों का पैसा कम ले लो. तो उन्होंने हम लोग से 3 लोगों का पैसा लेके हम लोग को अंदर छोड़ा है. सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस. अभी ये टोटल 2 किलोमीटर्स का वॉकवे है, और इसके एंड में एक लेक है. वहाँ पे शायद कमल्स और लोटस आते हैं, तो वो देखने जा रहे हैं हम लोग. इसी वॉकवे का वो लोग 100 रुपीज़ लेते हैं. बट अगर आप बाहर के रोड से जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ से भी अगर घूमोगे, तो आई गेस आपको ये सेम व्यू ही दिखेगा. आई डोंट थिंक सो कि वो बाहर वाला रोड उस तालाब के पास जाता है कि नहीं, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये जो फ्लावर्स एंड ऑल है वो बाहर से भी दिखेंगे. ध्यान रखने का. मुझे नहीं था क्या वो? Now we are at Kumudini Talao.
You just reached Kumudini Talao. Now see the beauty of the lake. And again, come on. Oh wow. Bro, what do you say? Hey, kamal hai? Yes. It is kamal. Is this a lotus? Yes, yes, yes. It's not vimal, it's not something else. It's kamal. But look at its shape, man. Lotus family. Flowers, cactus. If you are planning to come here, आपको हमेशा आपको प्राइवेट व्हीकल करके ही आना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट्स है नहीं. मैक्स टू मैक्स यू कैन डू इज यू कैन कम बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिल सातारा और फिर सातारा के बाद आपको वहाँ का कोई तो लोकल कैब और एनी अदर सर्विसेज यू हैव टू हायर एंड यू हैव टू कम हियर. सो वी आर डन. हम लोग ने ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर आगे गए थे. वहाँ से फिर हम लोग ऑफ ट्रैक भी गए थे अंदर वो पूरा ट्रेल में जो ग्रीनरी ट्रेल है उस पर चल भी रहे थे और अभी हम लोग रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं. इसके बाद हम लोग यहीं पे दो चीज़ें हैं, एक सज्जनगढ़ है और कोई तो वाटरफॉल है. वाटरफॉल का नाम क्या है नहीं याद नहीं है. मैं बताता हूँ, अगर हम लोग को टाइम मिला, इट्स 12:30 नाउ एंड हम लोग को अगर टाइम मिला आज शाम होने से पहले अगर इफ़ वी कैन डू इट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा. टू थिंग्स टू रिमेंबर व्हेन यू आर कमिंग हियर. फर्स्ट, ऑलवेज बार्गेन एट द टिकट काउंटर. सेकंड, कम इन अ रेनी सीजन जो इसका प्रॉपर सीज़न है क्योंकि हम लोग ऑफ सीज़न आके भी ये इतना खूबसूरत है. सोचो कि जब आप सीज़न में आओगे तो इसका ब्यूटी क्या रहेगा. अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और नेक्स्ट स्टॉप इज सज्जनगढ़. सज्जनगढ़ यहाँ से कुछ 8 किलोमीटर है. इफ़ टाइम परमिट्स हम लोग वहाँ से थोसेघर वाटरफॉल चले जाएंगे. इट्स ऑल्सो नाइस प्लेस. इफ पॉसिबल आई डेफिनेटली शो यू. चलो we have reached at Sajjangadh. श्री स्वामी समर्थ का टेम्पल में आए हैं. यहाँ पे इतना सन्नाटा है. इट्स ऑसम प्लेस गाइज. और यहाँ का वेदर भी कितना अच्छा है. सब कुछ ठंडा ठंडा है यहाँ पे. इतना शांति मैंने लाइट रूम पिछले 25 साल में कहीं पे नहीं देखा है. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. मैंने मतलब हमेशा हम लोग बहुत क्राउडेड जगह पे रहते हैं लेकिन यहाँ पे बर्ड्स का साउंड के अलावा कुछ भी साउंड नहीं आ रहा था. एग्जैक्टली. इट वॉज रियली गुड. पीसफुल इन देयर. या तो अभी हम लोग का दर्शन हो गया है. इट्स 3:00 नाउ. अभी यस वी कैन मेक इट राइट ब्रो. डेफिनेटली. तो हम लोग अभी थोसेघर के दो वाटरफॉल्स यहाँ से वो वाटरफॉल्स देखने के लिए अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं. गाइस आई वांट टू शो यू समथिंग. माय फिजेट स्पिनर
I've never been so close to any windmill. See how huge it is. It's almost more than 50 meters. Wow. We have reached to Thoseghar Waterfall. There are two waterfalls. So the bigger one is having height of 350 meters. And the smaller one is having height of 110 meters. Yeah. अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं नीचे देखते हैं These are monkeys, but we are not here to see them. We are here to see that waterfall. See how huge it is. And what if I tell you this is the smaller one? Yes, right. All the way down there. This is the bigger one. It doesn't end here. It is still going down. Did you see how huge that was? Amazing, mind-blowing. Whoa. So, Satara full vasool ho gaya aaj pure din ka. 4:30 baj gaye aur hum log ne almost bahut sara cheeze dekha. Windmill jo ek extra spot hum log ne add kiya hamare list mein wo bhi ho gaya. Uske itna kareeb hum log kabhi nahi gaye the isse pehle. At least main to nahi gaya tha. Chalo. That's it for the day guys. I hope you had fun. Whenever you will come to Satara, three places that you must visit that I'll recommend is one is Kaas Plateau, second one is Thoseghar Waterfalls, and third one is the Sajjangadh. All the three places are awesome, beautiful, mind blowing. I mean, you will fall in love with them. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो गिव अ थम्स अप, गिव अ लाइक, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन गुड बाय. एक इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, अगर हम लोग ऐसे किसी वाटरफॉल या फिर कहीं पे आते हैं जो एरिया हम लोग को मालूम नहीं है वहाँ पे हम लोग मेरे ख्याल से तो हम लोग ने एक्स्ट्रा एडवेंचरस थिंग्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये रहा लिस्ट. क्या लिखा है उन्होंने कि इतने सारे लोग अभी तक ये वाटरफॉल में अपनी जान खो चुके हैं. या सो वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट आवर लाइफ्स.